देश के 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने के और उसकी तैयारी और उसकी समीक्षा की तैयारी को लेकर आज जो कार्यक्रम आयोजित है, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उपस्थित सभी केंद्रीय मंत्रीगण और हमारे मुख्यमंत्री मंत्रीगण, आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार है, जोहार है। निश्चित रूप से ये काफ़ी खुशी का दिन है कि आज देश के 75वें आज़ादी की तैयारी करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से देश के हर एक घर तक देश की आज़ादी की खुशी का संदेश पहुंचाने का ये प्रयास निश्चित रूप से सराहनीय प्रयास है और इसमें झारखंड भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा, ये हम आश्वस्त करना चाहेंगे। हमारे राज्य में लगभग 80 लाख घरें हैं और जो 13 से 15 के बीच में झंडा फहराने की बात आज कही गई है और झंडे की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित हो, झंडा बनाने से लेकर झंडे की डिस्ट्रीब्यूशन तक, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, इसके लिए हम लोगों ने नोडल अफसर भी नियुक्त कर दिया है और कल इस विषय पर राज्य में मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक बैठक भी कॉल की गई है और इस पर बहुत विस्तृत रूप से इसके रूपरेखा तैयार करने का निर्देश दिया गया है और इसके लिए अभी जैसे कि प्रेजेंटेशन में दिखाया गया है कि झंडे की उपलब्धता केंद्र सरकार के माध्यम से भी कराया जाएगा, उसमें भी कुछ जो साइजेस दी गई हैं इन सब साइजों का भी केंद्र सरकार को इस संबंध में पत्र के द्वारा इसकी मांग की जाएगी और कुछ जो हमने इस उत्सव को पूरे ग्रामीण स्तर तक चूंकि ले जाना है ये संदेश, तो मुझे लगता है लगाने के साथ साथ इसमें लोगों की सहभागिता कैसे सुनिश्चित करें ये भी हमें तय करनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे ग्रामीण स्तर के जो हमारे मैकेनिज्म हैं, जो संस्थाएं काम करती हैं, जैसे हमारे महिला समूह वगैरह काम करती हैं, JSLPS हमारे राज्य में काम करती हैं, अलग अलग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और सारे लोग काम करते हैं, आज कुछ झंडों की उपलब्धता हम उनके माध्यम से भी करेंगे ताकि ये चूंकि 13 से 15 तक हम लोग मनाने का ये बात कर रहे हैं, अगर ये बातें कल से ही ये बात शुरू हो जाती है कि अगर हम झंडा बनाने की बातें और इसकी प्रिपरेशन गांव के स्तर पर क्या जा रहा है तो निश्चित रूप से ये एक वाइब्रेंट साउंड होगा जो मुझे लगता है कल परसों से ही प्रारंभ होगी और जो मुख्य रूप से जो 15 तारीख का दिन होगा वो काफ़ी उत्साहवर्धक बनेगा और इसके लिए झारखंड पूरी तरीके से तैयार है। धन्यवाद। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान। नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम इनू एवं नगर टोली रांची। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in